In CSET, law was just a mere subject for you. But when once we entered into CS executive, law is going to be our life. Do you know that? I mean, there are out of 8 subjects, there are 5 law subjects. आप में से किसी को कोर्स पता है कि मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 में देर आर टोटली 8 सब्जेक्ट्स. मॉड्यूल 1 में आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स 3 आर लॉ सब्जेक्ट्स एंड इन द सेम मैनर इन मॉड्यूल 2 देर आर 2 लॉ सब्जेक्ट्स. तो इन टोटलिटी आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स वी हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन 5 लॉ सब्जेक्ट्स. हम जब अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटीरियल खोलते हैं तो इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट पेज पे एक नोटिफिकेशन दे रखी है दैट इन दीज 3 सब्जेक्ट्स जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं वी नीड टू हैव वर्किंग नॉलेज. लेकिन जब हम वो 5 सब्जेक्ट्स का स्टडी मैट देखते हैं तो इंस्टीट्यूट ने साफ साफ लिखा हुआ है वी नीड टू हैव एक्सपर्ट नॉलेज इन दोज 5 सब्जेक्ट्स. सो देयर आर आउट ऑफ 8 लॉ सब्जेक्ट्स आई वुड बी टीचिंग यू गाइस 5 लॉज. अभी आर्यन ने एक बात बोली थी कि आई लाइक द मोस्ट अबाउट अनअकैडमी दैट इट इज वन ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म. और मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं उसके कंपैरेटिवली इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट राइट. अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं इफ आई टेल यू अबाउट अमित वोरा लॉ क्लासेस, आप अमित वोरा लॉ क्लासेस की अगर वेबसाइट पे जाते हो और आप वहां से मेरे लेक्चर्स परचेज करते हो यू हैव टू पे 70,000 रुपीज फॉर द एंटायर करिकुलम ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव. 70,000 रुपीज 70 वही पैकेज 70,000 रुपीज का हम लोग सेम फैकल्टीज के साथ अनअकैडमी पे दे रहे हैं 26,000 रुपीज का. तो यू कैन से 26,000 रुपीज विल बी पेड बाय यू टू अनअकैडमी और यू टू अस and the remaining amount of 44,000 rupees will be paid by Unacademy. मतलब Unacademy आप लोगों के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है जो 70,000 रुपीज के लेक्चर्स हैं ऑन द वेबसाइट ऑफ अमित वोरा लॉ क्लासेस. आपको उसके लाइव लेक्चर्स मिलेंगे एट 1/3 ऑफ द फी. एंड दैट टू अगर मैं आपको बताऊं अभी ना आर्यन ने एक बात बोली थी कि सर मैंने स्कैनर पढ़ा था. आपने मुझे बोला कि मैंने स्कैनर की प्रैक्टिस की थी. कैन यू प्लीज टेल मी वो स्कैनर कौन सा था? स्कैनर मतलब एक मार्केट में अवेलेबल होता है. परीक्षा फॉर सी एस एग्जीक्यूटिव सेटिंग अप बिजनेस एंटिटीज. इसी तरीके से यू विल बी गेटिंग ऑल द स्कैनर्स विच आर रिटन बाय मी ओनली. होता क्या है मैं आपको बताता हूँ. हम लोग जब बात करते हैं ना अपने, जैसे आपने भी कोचिंग ली है, बहुत सारे बच्चे कोचिंग्स लेते हैं, टीचर्स आर एवरीवेयर मतलब हर जगह पर टीचर्स हैं जो लोग पढ़ा रहे हैं. आई एम अलॉन्ग विद बीइंग अ टीचर आई एम एन ऑल इंडिया ऑथर. मेरी जो बुक्स है वो भारत पब्लिकेशंस के साथ आती है, वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिकेशन हाउस इन इंडिया. अगर हम इंडिया में लॉ बुक्स के पब्लिशर्स की बात करते हैं तो देयर आर 2, टैक्समैन एंड भारत. एंड माय बुक्स आर स्पेशली पब्लिश्ड बाय भारत पब्लिकेशन ओनली. दीज आर द बुक्स with Bharat Publication. This is my main course book. And you know what is the beauty of this book? जब हम लोग studies करते हैं, you will not see even a single page जिसपे chart ना हो. Can you see this? Just scroll it, कोई भी page खोलो, just see this. Are you getting me? This book is full of charts. These are some animated movies. जब हम लोग आपको पढ़ाते हैं CSXG के अंदर तो देर आर सम केस लॉज ना. आपने भी कभी केसेस सुने होंगे, बेलफोर्ट वर्सेस बेलफोर्ट, सोलोमन वर्सेस सोलोमन. ऑल दीज केसेस आर टॉट बाय अस इन एनिमेटेड मूवी एंड दीज आर द क्लिपिंग्स ऑफ दैट मूवी जो हमारी बुक में ऑलरेडी होती है. तो व्हाट आई मीन टू से इज कि दिस इज द मेन कोर्स बुक व्हिच विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट अलॉन्ग विद दिस. दिस इज आर स्कैनर जो मैंने अभी आपको दिखाया. अच्छा, एग्जाम में जब हम सी एस एग्जी की प्रिपरेशन करते हैं ना तो सारा का सारा एग्जाम पेपर केस स्टडी बेस्ड आता है. जो 5 लॉज हैं These are subjective in nature. सारा पेपर केस स्टडी बेस्ड जाता है. तो केस स्टडीज की प्रिपरेशन के लिए वी डू हैव अ सेपरेट बुक. लेट मी शो यू, दिस इज अ सेपरेट बुक ऑन केस स्टडीज. आर यू गेटिंग मी? तो आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द किट विच यू आर गोइंग टू गेट विद अस इन द जर्नी ऑफ सी एस एग्जीक्यूटिव. आपको हर सब्जेक्ट की मेन कोर्स की बुक मिलेगी विच आई हैव शोन यू इज पब्लिश बाय भारत पब्लिकेशंस. देखो, दिस इज द फर्स्ट बुक, मेन कोर्स बुक. सेकेंड, केस स्टडी बुक. थर्ड, परीक्षा स्कैनर. यू नीड नॉट बाय एनी स्कैनर फ्रॉम द मार्केट, जो भी आप लेते हैं. एंड दिस इज रिविजनरी नोट्स. दीज आर रिविजनरी नोट्स. कैन यू बिलीव दैट द एंटायर सब्जेक्ट ऑफ 40 ऑफ योर 100 मार्क्स ऑफ योर 500 पेजेस इज कवर्ड इन दीज 40 पेजेस. दिस इज द एलएमआर ऑफ
GIGL, one of the subjects, jurisprudence, interpretation, and general law. देखो last month revisionary lectures, handwritten notes by me only, CS Amit Bora. I mean, you can believe it that in single page, this is one page, this is one page, and the entire chapter is covered in this. When I'm saying entire chapter, I mean it that the entire chapter is covered in this one page. If there are 20 chapters in the book, then the 40 pages handwritten book is enough for the revision part. So what I mean to say is, हम लोग जब अपनी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं क्या मिस्टर, हम लोग अपनी सी एस एग्जी की स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करते हैं, हमारे यहाँ पे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, दो क्लासेस हो चुकी हैं, हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि अप टू 31st of October वी वुड बी कवरिंग एंटायर कॉम्प्रिहेंसिव बैच. जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, फुल कोर्स बैच, वो 31st of October तक कम्प्लीट होगा बच्चे. अब नवम्बर की अगर हम बात करें तो नवम्बर की जो हमारी स्ट्रैटेजी है, इट इज गोइंग टू बी ऑल टूगेदर डिफरेंट. 1st November to 10th November, first 10 days, we are going to complete this book of case study जो मैंने आपको दिखाई. 10 days हम ये case study की book करेंगे. सर ये case study की book में क्या है? इस case study की book में last 10 years के, means 20 attempts की सारी case studies covered है जो exam में आई हुई है, with amended answers which are written by me only, not copy pasted from anywhere, it's written by me only, it's my own case study book. जब हम 1st नवंबर से 10th नवंबर तक सारी केस स्टडीज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आता है टाइम टेस्ट पेपर्स को करने का या परीक्षा स्कैनर को करने का. तो दिस इज द टाइम जब हम ये वाला परीक्षा स्कैनर पढ़ते हैं. मैं फिर कह रहा हूं आपको, बाहर से कोई स्कैनर लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस स्कैनर कवर्स एवरीथिंग. मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जब हम बाहर से कोई स्कैनर लेते हैं ना, तो उसमें एक इश्यू क्या रहता है, मान लो कोई चैप्टर है, इंस्टीट्यूट ने उसको 1 year पहले एड ऑन किया है, अभी तक वो एग्जाम में आए नहीं है, तो उस स्कैनर के अंदर उसके कोई क्वेश्चंस ही नहीं होंगे. लेकिन क्वेश्चंस विच आर लाइकली टू कम योर इन योर एग्जाम, जो रिसेंटली एडेड चैप्टर्स हैं, अभी तक जिसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, उसके सारे क्वेश्चंस भी इसके अंदर कवर्ड होते हैं. एंड इन एडिशन टू दिस, मतलब हमने 31st October तक अपना कोर्स कंप्लीट किया, 1st November से 10th November तक हम लोगों ने केस स्टडी बैच किया, 11th November से 20th तक हमने परीक्षा स्कैनर बैच किया, एंड देन लास्ट 10 डेज ऑफ नवंबर विल बी फॉर दैट रिवीजन जो मैंने आपको कहा LMR. तो LMR जो है वो रहेगा उसके अंदर लास्ट के 10 डेज के अंदर. तो कहने का मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनिए, केस स्टडी की बुक होगी, स्कैनर विल बी देयर, LMR विल बी देयर, और लास्ट के जो 20 डेज होंगे दैट विल बी फॉर टेस्ट सीरीज. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेस्ट सीरीज जो है इट इज गोइंग टू बी द ओनली वन. वो जो टेस्ट सीरीज आपकी नवंबर एंड में होगी, That test papers जो होंगे वो आप अटेम्प्ट करेंगे, एंड those test papers will be checked by the examiners of ICSI. उसको जो ICSI के examiners हैं, जो लोग CS के exam paper check करते हैं, हम उन्हें hire करते हैं, and they will be checking your exams and we pay them a good amount. तो वो आपकी एक एक लाइन को अंडरलाइन करके उसमें remarks देते हैं कि बच्चे ने क्या गलती किया. In addition to this, weekly basis पे आपके test होते हैं. Every week, every Sunday, Monday to Saturday will be your classes and Sunday will be a test, right? And this is going to be throughout the course. From day one, jaise abhi upcoming Sunday, day after tomorrow, we are going to have a first test of ours for CS Executor. So this is about how we are going to proceed with the journey of CS Exec. Aap mein se koi bhi mujhse CS Exec se related koi bhi question puchna chahe, welcome. This is like a perfect plan. Perfect planning of your next level. और हमारे सब students जो हैं, they're already stunned. After Amit sir has spoken with all of you, I can see the expressions on your faces. So guys, we are committed to providing you each level of your education. आपकी पूरी journey आपके साथ रहेंगे, आपको commit किया गया था. तो अब CSET के बारे में, CS Executive के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी, और हम सबको भी, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा Amit आपको सुन करके, बड़ा confident feel हुआ मुझे कि भाई, you know, somebody who's so learned, who has got such a vast experience in the areas of teaching, and he is himself involved so much with publication of his own material, books, etc. और क्या चाहिए? ऐसा एक हाथ अगर मिल जाए होल्ड करने के लिए, तो और क्या चाहिए? अब यहाँ पर दोस्तों, अभी तो इन्हें ये भी नहीं बता कि there are many more feathers in our cap. Have you guys heard about ROC, Registrar of Companies? सुना है Registrar of Companies के बारे में, National Company Law Tribunal के बारे में, MCA के बारे में सुना कभी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर? मेनी ऑफ देम आर माय स्टूडेंट्स हु हैव बीन पोस्टेड लाइक ROCs एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर्स. देयर आर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माइन हु आर करंटली वर्किंग इन ROCs.
और ऐसा बहुत बार होता है कि एमसीए के जो डायरेक्टर्स हैं उनके जाके उनको जाके हम लोग लॉ पढ़ाते हैं बिकॉज दे आर एग्जीक्यूटिव बॉडी। इतना तो आपको पता है ना कि इंडिया में लेजिस्लेचर कौन है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लॉ इज मेड बाय पार्लियामेंट, राइट। पार्लियामेंट जब लॉ बनाता है तो एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो होती है एमसीए उनको वो लॉ पढ़ाएगा कौन? तो मेरे जैसे कंपनी सेक्रेटरीज, आई एम कंपनी सेक्रेटरी एंड अ लॉ ग्रेजुएट एंड मास्टर्स इन कॉर्पोरेट लॉ, तो मेरे जैसे लोगों को पार्लियामेंट हायर करती है कि अमित जी जाइए एनसीएलटी के जजेस को ये वाला अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा के आइए। आई एम वन ऑफ द टीचर्स ऑफ जजेस ऑफ एनसीएलटी, जजेस ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ऑफिशियल लिक्विडेटर्स एंड सो ऑन।